ये लेडी अजीब श्राप से ग्रसित है। सुबह बिस्तर पर आंख खुलती है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही थी। जब वो नाश्ता करती है तो बूंदें तेज हो जाती है। लेडी पानी गिरने के बावजूद मेकअप करती है। बस में बैठने पर बारिश का पानी बगल वाली लेडी पर गिरता है, इसलिए अपनी सीट बदल लेती है। लिफ्ट वाले लोग भी हैरान थे, काम करते समय चश्मे से कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए चश्मा उतार लेती है। बॉस कुछ पेपर देती है पर वो पानी से गल गए। पानी की वजह से कंप्यूटर में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सुबह से दोपहर तक इतना पानी गिरने के बावजूद भी महिला प्यासी थी। शाम को होटल में उसकी प्लेट पर पानी की धार लगी हुई है। खाने का सारा स्वाद पानी के साथ बह गया। मटर पानी में तैरने लगी है, फिर भी बेचारी खाने की कोशिश कर रही है। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। खाने से हार मानकर बाहर निकलती तो चारों ओर बारिश हो रही है, इसलिए छाता लगाती है। पर उसके ऊपर तो छाते के अंदर से पानी बह रहा था, इसलिए लेडी छाता फेंक कर चली जाती है। ऐसी लेडी को रेगिस्तान भेजना चाहिए ताकि वहाँ भी हरियाली उग सके। आपकी क्या राय है? दरअसल ये फिल्म सुबह से शाम तक के हमारे डिप्रेशन को दर्शाती है।